ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रस्थानत्रय का विचार हम लोग आरंभ कर रहे हैं भाष्य और टीका के साथ में। तो सबसे पहले प्रस्थान शब्द का क्या मतलब? प्रस्थानत्रय, प्रस्थान का मतलब प्रस्थीयते अनेनिति प्रस्थानम्, यानी जिसके द्वारा हम लोग जाते हैं। जैसे लोक में कोई लौकिक लक्ष्य की प्राप्ति करनी हो तो किसी मार्ग से जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे परमात्मा की प्राप्ति करना है इसके लिए भी ये मार्ग है। तीन प्रस्थान इसमें, एक तो है श्रोत प्रस्थान, यानी श्रुति जो है। चलिए, तो ये जो तीन प्रस्थान बता रहा था, श्रोत प्रस्थान, स्मृति स्मार्त प्रस्थान और दर्शन प्रस्थान। श्रोत यानी श्रुतियों में जो बताया गया है और श्रुतियों के अनुकूल जो स्मृतियों स्मृति गीता आदि स्मृतियों में जो बात बताई उपनिषदों के अनुकूल, उपनिषदों का अनुसरण करते हुए, तो उनके आधार पे जो विचार होता है स्मार्त प्रस्थान कहते हैं। और दर्शन प्रस्थान जहाँ युक्तियों की प्रधानता से, जैसे ब्रह्म सूत्र है तो वहाँ पे निर्धारण किया गया है, तो उसको दर्शन प्रस्थान कहते हैं। तो तीन प्रस्थान का विचार करने से जो है पूरी तरह से, मतलब अगर उसको विचार तात्पर्य निर्धारण करके, तात्पर्य निर्धारण करना श्रवण है, युक्तियों के द्वारा विरोध का परिहार करेंगे और उसको जीवन में उतारेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तो इससे आत्मज्ञान होता है। तो यहाँ पे जो है श्रोत प्रस्थान, श्रुति जो मूलभूत प्रमाण है ना, मूलभूत प्रमाण श्रुति है, इसलिए पहले श्रोत प्रस्थान। इसमें भी 10 उपनिषदों पे भगवान भाष्यकार ने भाष्य लिखा है, श्रुतियों के अर्थ का जो है तात्पर्य का आविष्करण करने के लिए भगवान भाष्यकार ने 10 उपनिषदों पे भाष्य लिखा। इसमें जो है किस क्रम से विचार होना चाहिए इस बात को भी मुक्तिकोपनिषद में आया है। एक मुक्तिकोपनिषद उपनिषदों में, क्योंकि 1180 उपनिषद है, तो वहाँ पे मुक्तिकोपनिषद में हनुमान जी और भगवान राम के बीच में संवाद हुआ है। वहाँ हनुमान जी ने प्रश्न पूछा है कि तद तद रूपम ज्ञातुम इच्छामि तत्तो राम मुक्तये, है ना, हे भगवान राम, आपके स्वरूप को मैं जानना चाहता हूँ मुक्ति के लिए, कैसे जाने? तो वहाँ पे भगवान राम ने उत्तर दिया है कि वेदांते सुप्रतिष्ठोहम वेदांतम समुपाश्रय, वेदांत में मैं सुप्रतिष्ठित हूँ, मतलब वेदांत में मेरे बारे में वर्णन किया गया है। राम शब्द का मतलब कोई जो है शरीरधारी नहीं समझना, रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः, जिसमें भगवान, जिसमें योगी लोग जिस तत्व में रमण करते हैं उसको राम कहते हैं। तो मैं वेदांत में सुप्रतिष्ठित हूँ, अच्छी तरह से मेरा वेदांत में निरूपण हुआ है, इसलिए तुम वेदांत का ही ठीक ढंग से आश्रय ग्रहण करो। तो वहां पे फिर हनुमान जी ने पूछा कि वेदांता के वेदांत कौन है, उसके विषय में बताइए। तो फिर वहां भगवान ने बताया तिलेषु तैलवद् वेदे वेदांता सुप्रतिष्ठिता, जैसे तिलों में तेल होता है, इसी प्रकार सभी वेदों में वेदांत सुप्रतिष्ठित है। सभी वेद में जितने भी भाग है, मतलब जितने भी शाखाएं हैं,
वेद में कुल मिलाकर के 1180 शाखाएं हैं। प्रत्येक शाखा में आपको कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। हाँ जी, हाँ बोलिए। वेदांते भगवान राम ने बताया कि वेदांते सुप्रतिष्ठो वेदांतम समुपासरे। वेदांत, हाँ, वेदांत में मैं अच्छी तरह से प्रतिष्ठित, मतलब वेदांत में मेरा ही निरूपण किया गया है, मेरे बारे में ही वेदांत में कहा गया है। इसलिए वेदांतम समुपासरे, वेदांत का ही आप अच्छी तरह से आश्रय ग्रहण करिए, वेदांत का ही विचार करिए। फिर वहां हनुमान जी ने प्रश्न किया कि वेदांता के वेदांत कौन है, तो भगवान ने बताया कि तिलेषु तैलवत वेदे वेदांत समु सुप्रतिष्ठित। जैसे तिलों में तेल होता है, हर जगह तिलों में, ऐसा नहीं किसी एक कोने में तेल है, पूरे तिल में व्याप्त होता है, इसी प्रकार पूरे वेद में वेदांत सुप्रतिष्ठित है। वेद में 1180 शाखाएं हैं, हर एक शाखा में कर्मकांड भाग, उपासना भाग और ये जो है ज्ञान कांड भाग जो कि उपनिषद है। इस तरह से 1180 शाखाओं में 1180 उपनिषद भी है। यही उपनिषद जो है इसी में वेद के तात्पर्य का निरूपण हुआ है। वेद में कर्म कांड भाग भी है, उपासना भी है, लेकिन वहां पे शास्त्र का तात्पर्य नहीं है भाई। कर्म करके व्यक्ति ऊपर उठे, कक्षा से ऊपर उठे, जैसे 10वीं कक्षा में हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन पर्यंत वही बने रहे, 10वीं कक्षा में पढ़ रहे कि आगे बढ़े। इसी प्रकार कर्म ये जो एक कक्षा के समान है, उपासना भी एक कक्षा है। साधारण व्यक्ति को जो है कोई पाप कर्म में लगा है, उसको वहां से हटा करके शुभ कर्म में लगाया जाता है। फिर शुभ कर्म में है, अंतःकरण की मलिनता दूर हो गई, फिर उपासना में लगाएंगे, फिर इसके बाद जो है उसके अंदर योग्यता आ गई तो ज्ञान कांड का आश्रय लेकर के आत्मा का विचार करके आत्मा को जानेगा। तो यहाँ पे जो 10 उपनिषद उन्होंने क्रम से वहां पे बता दिया है, तो जिस क्रम से हम लोग उसी क्रम के आधार पे हम लोग 10 उपनिषद का विचार करते हैं, जो मुक्तिकोपनिषद में भगवान राम ने हनुमान जी को जो 10 उपनिषद मुख्य बताए हैं, तो इसमें ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक उपनिषद, तैतरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक, क्रम से देखो वहां पे बताया गया है। इसलिए उन्हीं 10 उपनिषदों का के ऊपर भगवान शंकराचार्य जी का भाष्यकार भगवान का भाष्य है, तो भाष्य के आधार पे जो है विचारे चलता है। त्या पहली उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। ईशा स ईशा ईशावास्य मिदम सर्वम ईश्वरेण, ईशा तृतीया एक वचन है ईश्वरेण। तो पहले मंत्र में ईशावास्य ऐसा शब्द आया है, उसी को प्रतीक लेकर के ईशावास्य उपनिषद। देखो उपनिषद शब्द बनता है व्याकरण में, जिसको व्याकरण नहीं मालूम है तो भी थोड़ा सा ये बात समझ लेगा कि जैसे भाई मिट्टी का जैसे कोई भी पात्र है किसी न किसी धातु से बनता है, इसी प्रकार सभी शब्द संस्कृत के जितने भी शब्द हैं किसी न किसी धातु से बने हैं। जैसे राम शब्द अभी बता दे, राम तो रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति राम, और रमु क्रीड़ायाम धातु से, तो जिसमें योगी लोग क्रीड़ा करते हैं, रमण करते हैं, तो उस धातु से बना। तो कोई भी शब्द, सर्वम धातुमयम जगत, ऐसा एक वाक्य आता है ना, तो सर्वम धातु में कोई भी शब्द है धातुओं से बने हैं। ऐसे उपनिषद शब्द भी सदरी विसरण गत्यव साधनेशु, ये शब्द धातु विसरण अर्थ में शिथिल होना, गति यानी गमन, प्राप्ति, अवसाधन यानी नाश, इन तीन अर्थ में सदरी धातु है। उसी सदरी धातु से उप और नि उपसर्ग पूर्वक क्विप प्रत्यय करेंगे। इसके लिए भी एक सूत्र आता है, सत्सु द्विष द्रुह दुह युज विद विद भिद छिद जी नी राजाम उपसर्गे पी क्विप, ऐसा एक सूत्र आता है। तो इस तरह से वो प्रत्यय क्विप प्रत्यय होकर के उपनिषद शब्द बनता है, तो जिसका अर्थ होता है कि क्योंकि बता दिया धातु का तीन अर्थ है, विसरण गति और अवसादन।
विसरण यानी शिथिलता, गति यानी प्राप्ति, अवसाधन यानी नाश। तो जिसके प्राप्त हो जाने पर अवश्य ही अनादि अज्ञान का नाश हो जाए, सर्वात्मक ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए और अविद्याजन्य सांसारिक दुखों की शिथिलता हो जाए। उसी तत्व को उपनिषद कहते हैं, है ना। वही वही तो यहाँ जिसकी प्राप्ति हो जाने पर, जिस उसी मतलब जिस ज्ञान की, यहाँ ज्ञान को लेना, तो तत्व का ज्ञान यानी उपनिषद शब्द का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान। सीधी सी बात संक्षेप में कहा जाए तो उपनिषद शब्द का क्या अर्थ हो गया, ब्रह्म ज्ञान। तो फिर ये जो हम लोग तो ग्रंथ को ही उपनिषद शब्द से कहते हैं, हम ईशावासी उपनिषद पढ़ रहे हैं, केन उपनिषद हम पढ़ेंगे, कठोपनिषद का विचार करेंगे, यहाँ पे तो लोक व्यवहार में तो हम ग्रंथ को उपनिषद शब्द से कहते हैं। तो देखिए भाई, ग्रंथ भी उस ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन कर रहा है, इसलिए गौणी वृत्ति से ग्रंथ को भी उपनिषद शब्द से कह दिया जाता है। इस तरह से ईशावास्य, इसके आरंभ के मंत्र में ईशावास्यम ऐसा आया है और यह उपनिषद है, वेद का जो है जो शिरोभाग है जिसमें सिद्धांत प्रतिपादन हुआ है। क्या ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय में आया है, 39 अध्याय तक कर्म आदि आए हैं, 40वें अध्याय में 91 शाखा का उपनिषद हम लोग विचार करते हैं। माध्यंदीन शाखा में भी ईशावास्य उपनिषद है, उसका थोड़ा सा कुछ मंत्र अलग है, इसलिए हमारी कैलाश की पुस्तक में तो माध्यंदीन शाखा वाले मंत्रों को भी बता दिया गया है। आप देखेंगे तो कैलाश की पुस्तक में वो 18 मंत्र वहाँ पे भी आया है, तो थोड़ा सा कुछ मंत्रों में भेद है, थोड़ा सा अंतर है। तो चलिए इसका हम लोग पहले शांति पाठ करते हैं, है ना, ईशावास्य उपनिषद में, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में मंगलाचरण किया जाता है। एक वाक्य आता है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि, यानी महान पुरुषों को भी श्रेय कार्य में, महत्वपूर्ण कार्य में नाना प्रकार के विघ्न होते हैं। और एक श्लोक तो ऐसा भी, कोटयो ब्रह्म विद्यायां तदर्धम हरिमंदिरे तदर्धम जाह्नवी तीरे तदर्धम दक्षिणे करे। ब्रह्म विद्या में करोड़ों विघ्न आते हैं और तदर्धम हरि मंदिरे, किसी प्रसिद्ध जो है विष्णु का मंदिर हो, कहीं प्रसिद्ध तीर्थ में जाना हो, तो उसका आधा जो है विघ्न होता है। तदर्धम जाह्नवी तीरे, करोड़ का आधा समझ लीजिए 50 लाख, और कहीं दूर जो है गंगा जी जा करके गंगा तीर्थ में स्नान करना हो, आप बहुत दूर रहते हैं कहीं, तो बताए कि उसका भी आधा विघ्न, यानी 50 लाख का आधा जो है 25 लाख। और तदर्धम दक्षिणे करे, दक्षिण कर से उपलक्षित, दाहिने हाथ से उपलक्षित दान, दान आदि देना हो तो उसका आधा विघ्न। इस तरह से बहुत विघ्न आते हैं, तो विघ्न आते हैं तो कार्य हम करें ही ना। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तब तो हमारा पतन होगा, इसलिए मंगलाचरण आदि करके जिससे देवता आदि को प्रसन्न करते हैं, जिससे विघ्नों की शांति हो जाती है। इसलिए एक श्लोक आता है, यथा शस्त्र प्रहाराणाम कवचं विनिवारकम् तथा दैवोपघातानां शांतिर्भवति वारणम्। जैसे राजा लोग जो है युद्ध में जाते हैं तो कवच पहन के जाते हैं, क्योंकि शस्त्र प्रहार होगा तो कवच से हमारी रक्षा हो जाएगी। इसी प्रकार जब हम मंगलाचरण करते हैं तो दैवोपघात, उनसे जो है देवता लोग जो विघ्न उपघाते हैं उनसे वारण हो जाता है, विघ्नों का वारण हो जाता है। इसलिए दूसरी बात ये भी है कि जो ये जो ब्रह्म ज्ञान का जिसका हम विचार करने जा रहे हैं, आत्मतत्व का, वेदांत का जो विषय है, प्रतिपाद्य तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए चंचल बुद्धि से हम विचार नहीं कर सकते। इसलिए जब हम मंगलाचरण करते, शांति पाठ करते, तो हमारी बुद्धि समाहित हो जाती है, और समाहित बुद्धि से हम विचार करेंगे तो तत्व जो है हमारी बुद्धि में वो बैठेगा, जल्दी जो है समझ पाएंगे, इसलिए भी मंगलाचरण किया जाता है।
इसका पहले हम लोग शांति पाठ देखते हैं, क्योंकि ये शुक्ल यजुर्वेद का, इसलिए इसका शांति पाठ देखिए। पूर्णमदः ये है, शुक्ल यजुर्वेद का होने से ये। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः, पूर्णमदः अदः, अदः यानी वह जो परमात्मा है, जो कि तत्पद का लक्ष्य है, वह पूर्ण है, व्यापक है। तो अदः शब्द से यहाँ उसको कह रहे, अदः शब्द से क्यों कहे? अदः शब्द का तो परोक्ष जो होता है उसके लिए प्रयोग करते हैं, तो इसलिए ते परमात्मा तो सबकी आत्मा है, फिर अदः शब्द का कैसे प्रयोग कर दिए? यहाँ ये बता रहे भाई वो हमारी आत्मा है, हमारा ही स्वरूप है, किंतु अज्ञान की वजह से परोक्ष जैसा मालूम पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म कहीं बहुत दूर बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ अदः शब्द यानी वह परमात्मा, वह परमात्मा पूर्ण है, तत्पद का जो लक्ष्य है पूर्ण है, आकाश के समान व्यापक है, अपरिछिन्न है। पूर्णमिदम, इसी प्रकार यह जो इदम है यानी त्वम पद का लक्ष्य जो जीव स्वरूप, वह भी पूर्ण ही है, यह भी पूर्ण पूर्ण है, जीव को भी बता दिया यह भी पूर्ण है, वास्तव में पूर्ण ही है। कि दो दो पूर्ण कैसे हो जाएंगे? तो बता रहे कि नहीं, पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण ही जीव उत्पन्न होता है। जैसे महाकाश है, घट रूपी उपाधि बन गई तो घटाकाश, तो आकाश तो व्यापक है लेकिन घट के भीतर आने की वजह से वह परिच्छिन्न जैसा दिख रहा है, इसलिए पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति हुई यानी औपाधिक उत्पत्ति, उपाधि को लेकर के ऐसा लग रहा है परिच्छिन्न है, औपाधिक उत्पत्ति। जीव का तो जीव की वास्तव में जीव का जो स्वरूप है चैतन्य है, चैतन्य की उत्पत्ति नहीं होती, शरीर आदि की उत्पत्ति होती है, किसी के शरीर उत्पन्न हो गया भाई, जन्म, जन्म का क्या मतलब है? स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का संबंध हो जाना, इसको कहते जन्म। और मरण का मतलब क्या है? स्थूल और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के संबंध का वियोग हो जाना, प्राण निकल गया, सूक्ष्म शरीर निकल गया, तो कह देते हैं मरण हो गया। इसलिए देखिए आत्मा का कहीं आना जाना नहीं है, प्राण यहां से, सूक्ष्म शरीर यहां से ब्रह्मलोक चले गया, स्वर्गलोक चले गया, तो उसको कह देते जीव वहां चले गया। इसी प्रकार शरीर में आ गया तो जीव यहाँ आ गया, जीव पैदा हो गया, जीव व्यवहार कर रहा है, तो आत्मा व्यापक है, उसमें कहीं आना जाना तो बनेगा नहीं, इसलिए उपाधि के आवागमन से जीव का आवागमन माना जाता है। इसलिए यहाँ पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ, मतलब शरीर आदि उपाधि को लेकर के जीव भाव जो मिल रहा है, औपाधिक उत्पत्ति के को ही यहाँ उत्पन्न हुआ कहा जा रहा है, तो पूर्ण ही है, पूर्ण की ही उत्पत्ति हो रही, वास्तव में पूर्ण है। तो परमात्मा पूर्ण क्या है, क्यों है? क्योंकि वो बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त है। जैसे घट घड़े के भीतर मिट्टी पूर्ण है, यानी घट के भीतर बाहर सर्वत्र मृत्तिका ही है, मृत्तिका से अतिरिक्त नहीं है। इसी प्रकार पूरे जगत में परमात्मा ही है, सच्चिदानंद रूप, क्योंकि एक श्लोक आता है, अस्थि भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंश पंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तत्वद्वयम। संसार में देखिए पांच रूप दिखाई पड़ रहा है, अस्थि भाति प्रिय नाम और रूप। जैसे घट, घटो अस्थि यानी घट है सत्ता, घटो भाति घट का भान हो रहा है, ज्ञान अंश, चेत चैतन्य अंश, चिद अंश। घटो मम इष्ट, घट मुझे अच्छा लगता है, घट मुझे आनंद देता है, घट का ठंडा पानी पीते तो अच्छा लगता है, आनंद अंश। और घट यह नाम, और घट की एक आकृति,
कुल मिलाकर पांच रूप हो गया। सच्चिदानंद अस्ति भाति प्रिय कहो, सच्चिदानंद कहो, एक ही बात है, और नाम और रूप। इसमें जो सच्चिदानंद अंश है या तो ब्रह्म का रूप है, परमात्मा का रूप है, और नाम और रूप ये जगत का रूप है। नाम रूप रूपात्मक जगत है ना। नाम रूप का उद्भव हो जाना इसको ही सृष्टि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे घट की उत्पत्ति क्या है, घट की सृष्टि क्या है, वहां नाम रूप का उद्भव। कहीं से मिट्टी लाया कुम्हार ने, वो नाम उसको एक विशेष आकार दे दिया, ये हो गया रूप। और हम लोग व्यवहार करने के लिए उसको घट शब्द से कहेंगे। तो नाम रूप का उद्भव हो जाना यही घट की उत्पत्ति है। नाम रूप अभिव्यक्त हो गए और फिर नाम रूप मिट जाना, यही उसका नाश हो गया। इस तरह से ये जो उपाधि की उत्पत्ति के माध्यम से इसकी जो है जीव की उत्पत्ति हो गई, जीवात्मा जो तत्त्वम पद का लक्ष्य तो शुद्ध है किंतु उपाधि को लेकर के देखो ये उत्पन्न हुआ है। तो घटा जैसे घटाकाश महाकाश ही है, इसी प्रकार जीव ब्रह्म ही है, इसलिए पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति हुई ऐसा कह रहे। तो पूर्ण से पूर्ण आदाय। अच्छा ये बता रहा था कि सच्चिद सत्ता रूप से देखिए परमात्मा ही सब जगह है, सत्तांश हर जगह दिखता है, इसलिए परमात्मा पूर्ण है, सद्रूप से सर्वत्र है। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण की पूर्णता को लेकर के यानी चैतन्यांश को लेकर के सच्चिदानंद रूपता को पे हमारा जब ध्यान चले गया, उपाधि अंश को हमने छोड़ दिया, तो पूर्णमेवावशिष्यते पूर्ण ही अवशिष्ट होता है। इसलिए महाराज जी यहां बताते हैं कि पूर्ण की पूर्णता लेकर के मतलब अपूर्णता को छोड़ देना। अज्ञान से हम इसको आप परिच्छिन्न समझ रहे हैं, अज्ञान मिट गया, परिच्छिन्नता को छोड़ दिया, वो पहले से यह परिच्छिन्न व्यापक है। अपूर्णता को छोड़ देना ये पूर्ण की पूर्णता को ले लिया, यानी सच्चिदानंद रूपता का अनुभव किया, उपाधि अंश को छेड़ दिया, तो पूर्ण ही अवशिष्ट बचता है। ये सब यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। टिप्पणी में भी यही बातें थोड़ा सा दिए है, वो बहुत लंबी है इसलिए इसको लेना जो है यहाँ ठीक नहीं। चलिए, ओम शांति शांति शांति। तीन प्रकार के जो आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप, तीन प्रकार के तापों की शांति हो। आदि दैविक ताप, आध्यात्मिक ताप क्या है? आध्यात्मिक में दो प्रकार के ताप, आदि और व्याधि। तो मतलब क्या, शरीर आदि में कुछ रोग हो गया, आत्मा यानी आत्मा शब्द से हम लोग शरीर को भी लेते हैं। तीन प्रकार की आत्मा जो बताते हैं, एक मुख्य आत्मा, मिथ्या आत्मा, गौण आत्मा। मुख्य आत्मा तो सच्चिदानंद रूप ब्रह्म है, और शरीर में भी अज्ञान दशा में मय भाव होता है, ये मिथ्या आत्मा। और गौण आत्मा कौन है? पत्नी पुत्र आदि। जैसे किसी व्यक्ति को पत्नी बीमार है, उसे लगेगा कि मैं ही बीमार हूँ, पुत्र बीमार है, मैं ही बीमार हूँ, पत्नी जो है स्वस्थ है तो उसे लगता है मैं ही स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ। इसको कहते गौण आत्मा। भिन्न होने पर भी इतना ज़्यादा तादाद में है कि उसके दूसरे के सुख से आप सुखी हो रहे, दूसरे के दुख से दुखी हो रहे, इसको कहते गौण आत्मा। और मिथ्या आत्मा किसे कहते? शरीर आदि में अज्ञान दशा में मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, ऐसा नहीं मालूम पड़ता, लेकिन ज्ञान होने पर इसका बाध होता है, इसलिए इसको कहते मिथ्या आत्मा। और मुख्य आत्मा तो सच्चिदानंद रूप है। तो यहाँ पे जो शरीर है उसको भी आत्मा शब्द से कहा जाता है, इसलिए अध्यात्मम यानी आत्मनि अधि आत्मनि। शरीर में होने वाला जो रोग आदि है, उससे होने वाला कष्ट, जिसको व्याधि शब्द से कहा जाता है, ये भी आध्यात्मिक ताप है। और दूसरा आधि यानी मन में, मन को भी आत्मा शब्द से कहा जाता है। तो मन में होने वाले जो काम क्रोध लोभ मोह, इनसे भी बहुत दुख होता है जीव को, इसको कहते हैं
आधि, आधि और व्याधि दोनों मिलकर के आध्यात्मिक ताप शब्द से कहे जाते हैं। आदिदैविक ताप देवताओं के कुपित होने पर, देवता जब नाराज हो जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं, इसलिए तो जो है भूकंप आया, झंझावात आया, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सब आदिदैविक ताप है। इससे भी व्यक्ति को दुख होता है, इसलिए ताप कह दिए। तीसरा होता है कि आदि भौतिक, मच्छर के काटने से अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, इससे जो जो है ये सब जीव ही है, नाना प्रकार के कीटाणु जीवाणु इत्यादि से जो रोग आदि हो जाते हैं, और सिंह मार लिया, सिंह मार दिया, कुछ मगर खा गया, जंगली जानवर आक्रमण कर दिए, ते सब जो है आदि भौतिक ताप, भूतों से प्राणियों से होने वाला ताप, ये जो है आदि भौतिक ताप में गिना जाता है। तीन तीनों प्रकार के तापों की शांति हो। ये तो शांति पाठ का हम लोगों ने संक्षेप में विचार किया। वैसे विस्तार में जाए तो बहुत लंबा विस्तार इसका जो है विचार हो सकता है, लेकिन संक्षेप में यहाँ बताया। देखिए आप आनंदगिरी टीका जो पीडीएफ वाली है, सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी वो राजू भाई भेजे, उसमें 3 पेज पे देखना, अथवा तो जिसके पास ये नई पुस्तक हो हमारी कैलाश की, वो पेज नंबर 2 से उसमें देखेंगे। पहले आनंदगिरी टीका का मंगलाचरण देख लिया जाए, पहले इसका उच्चारण, इसका भी उच्चारण कर लिया जाए। ये नात्मना परेणेशा, व्याप्तं विश्वमशेषतः सोहं देहद्वयी साक्षी वर्जितो देह तद्गुणैः येनात्मना परेणेशा, येन आत्मना परेणेशा, जिस आत्मा जो जो कि परमात्मा रूप है, ईश्वर है, जिस परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा यह संपूर्ण जगत विश्वम अशेषतः व्याप्तम, पूरा का पूरा विश्व पूरी तरह से जिस आत्मा के द्वारा व्याप्त है, परमात्मा के द्वारा व्याप्त है, सोहं वही मैं हूं, देह द्वयी साक्षी दोनों शरीरों का साक्षी। यहाँ पे शंका हो सकती है कि भाई शरीर तो 3 होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। यहाँ 2 नंबर टिप्पणी में थोड़ा दिखाए हैं कि जो निरावरण है, ज्ञानी पुरुष है, उसी का व्याख्या में अधिकार है। तो मतलब जो आनंदगिरी जिन्होंने टीका जो टीका लिख रहे हैं वो ज्ञानी पुरुष है, उनका ज्ञान नष्ट हो गया है, कारण शरीर भस्म हो गया है, नष्ट हो गया है, ज्ञान ज्ञान अग्नि से जल गया है। बाकी 2 शरीर तो प्रारब्ध की वजह से वो है। अब यहाँ ये कहे कि भाई कारण नहीं है तो कार्य कैसे रहेगा, तो इसमें उदाहरण कई प्रकार के नैयायिक लोग देते हैं, जैसे तंतु के नाश से पट का नाश। तो लोग बताते पहले तंतु का नाश होगा, अगले क्षण में पट का नाश होगा। एक क्षण कारण के बिना भी कार्य रह जाता है ना। इसी प्रकार जैसे आपने बिजली बंद कर दिया, बिजली के बटन को बंद कर, तो भी पंखा कुछ समय तक घूमते रहता है। इसी प्रकार प्रारब्ध भी वेग स्थानी, क्योंकि उसका वेग जो है बाकी रह गया है, वेग की वजह से थोड़े समय तक वो पंखा घूमते रहेगा। तो प्रारब्ध कर्म भी वेग स्थानी है, इसलिए अज्ञान का नाश होने पर भी शरीर कुछ समय तक बना रहेगा प्रारब्ध कर्म की वजह से। तो जिस आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा यह पूरा का पूरा जगत व्याप्त है, वही मैं हूं। और कैसा हो, देहद्वयी साक्षी, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का साक्षी हूं। वर्जितो देह तद्गुणे, शरीर और शरीर के गुण जो धर्म आदि है, स्थूलत्व, कृशकार्यत्व,
नाना प्रकार के जो शरीर के धर्म है, गुण है, उन सभी से मैं वर्जित हूँ, रहित हूँ, इन सब का दृष्टा हूँ। इस तरह से यहाँ पे हुआ। देखिए आगे टीका में, ईशावास्यम इत्यादि मंत्रान व्याचिख्यासुर भगवान भाष्यकार कारस। ईशावास्यम इत्यादि ये मंत्र आएंगे, 18 मंत्र आएंगे इस उपनिषद। ये तो छोटी सी उपनिषद है, यद्यपि उपनिषद बहुत कलेवर में तो वो छोटी है, किंतु अर्थ जो है इसमें बहुत गंभीर अर्थ है, इतना सरल भी नहीं। इसका जो अवतरण आरंभिक भाष्य वो भी इतना सरल नहीं है, वो भी बहुत कठिन ही है, हर कोई इसकी व्याख्या भी नहीं कर पाएगा। ईशावास्यम इत्यादि मंत्रान व्याचिख्यासुर भगवान भाष्यकारस। ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र समुदाय आएंगे, इनकी व्याख्या करने की इच्छा कर इच्छा वाले भगवान भाष्यकार, भाष्य का भाष्यम करोति थी भाष्यकार। भाष्य किसे कहते हैं? तो भाष्य के लिए एक श्लोक आता है, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्य सूत्रानुसारी भी स्वपदानी च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्य विदो विदुः। तीन मंत्रों के भाष्य, देखो मैं बता रहा था भाष्य का, कि भाष्य किसे कहते हैं। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्य सूत्रानुसारी भी, सूत्र का अनुसरण करने वाले वाक्य, वाक्यों के द्वारा जहाँ पे सूत्र के अर्थ का वर्णन किया जाता है। सूत्र शब्द से वेद के मंत्रों को भी, श्रुतियों को भी सूत्र शब्द से लिया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत गूढ़ अर्थ सूचित हुआ है। गूढ़ान अर्थान सूचयंती इति सूत्राणि, जो अत्यंत गूढ़ अर्थों को सूचित करे उसे सूत्र कहते हैं। तो श्रुतियों में भी, वेद मंत्रों में भी बड़े गूढ़ अर्थ को सूचित किया गया, इसलिए उनको भी सूत्र शब्द से ले लेते हैं। ब्रह्म सूत्र के सूत्रों को तो लेंगे ही, श्रुति को भी, मंत्रों को भी ले लेते हैं। तो सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्य सूत्रानुसारी भी, जिसमें सूत्र के अर्थ को, सूत्र का अनुसरण करने वाले वाक्यों के द्वारा वर्णन किया जाता है उस सूत्र का अर्थ। स्वपदानी च वर्ण्यन्ते, और अपने पद बीच में संग्रह भाष्य देंगे, विवरण भाष्य देंगे, तो स्वपद का भी वर्णन किया, स्वपद को देख करके उसकी व्याख्या करेंगे। संग्रह भाष्य, विवरण भाष्य, संग्रह वाक्य, विवरण वाक्य, स्वपदानी च वर्ण्यन्ते, ऐसा जो ग्रंथ है उसको कहते भाष्य, ऐसा भाष्य वेत्ता लोग कहते हैं। इस तरह की भाष्य, भाष्य लिखने वाले भगवान भाष्यकार ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों की व्याख्या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तेषां कर्म शेषत्व शंकां तावद् व्युदस्यति। तावद् यानी प्रथमम, सबसे पहले इन मंत्रों में कर्म शेषत्व की शंका का निराकरण कर रहे हैं। बात ऐसी है, जो मीमांसक लोग है ना, वो लोग कहते हैं कि जो वेदांत सिद्ध का, सिद्ध ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाला, वो लोग इन इन जो मंत्रों को, उपनिषद के मंत्रों को अर्थवाद स्थानीय मानते हैं। वो लोग कहते हैं ऐसा ब्रह्म को, कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति नहीं, सबसे बड़ा फल है स्वर्ग, कर्म करो स्वर्ग जाओ, फिर नीचे आओ, फिर कर्म करो, फिर स्वर्ग जाओ, स्वर्ग ही सबसे बड़ा फल है। और ये जो उपनिषद के मंत्र है, ये तो जो कर्म करने वाले लोग हैं, यजमान आदि की स्तुति के लिए है। कैसे स्तुति होगी? भाई तुम ब्रह्म हो, ऐसा यजमान को कहोगे तो बड़ा जो है उसे, उसके अंदर और बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़े उत्साह से वो कर्म करेगा। तो यह यजमान आदि की स्तुति के लिए जो है ये सब, तुम ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूँ, ये सब कहा गया है। इसलिए ये सब मंत्र भी कर्म के अंग है। और यहाँ पे भी देखिए बता दिया कि शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ईशावास्य उपनिषद आती है, कांडव शाखा में। तो बताओ जब इसके पहले के 39 अध्याय कर्मकांड का प्रतिपादन, कर्मों का प्रतिपादन कर रहे, कर्मकांड रूप है, तो 40वां अध्याय भी तो कर्म का ही प्रतिपादन, कर्म का ही शेष बनेगा। इसलिए यह कर्म का ही अंग है ये सब मंत्र, ऐसा वो लोग कहते हैं।
तो इसलिए भगवान भाष्यकार सबसे पहले मीमांसकों की शंका का विदास करते हैं कि वह कर्म का अंग नहीं सवास्य मत इत्यादि मत बल्कि निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है जिसके ज्ञान से मुक्ति होती है। देखिए स्वयं प्रक्रिया दिखा रहे, तथा ही कर्म जड़ा केचन मन्यन्ते स्म, कुछ कर्म में जिनका दुराग्रह है जिनकी बुद्धि जड़ हो गई है मीमांसक लोग। देखो इसको 5 नंबर टिप्पणी में दे दिया है, कर्मैव पुमर्थ साधनम नेतरत इति बलवद आग्रह, कर्म ही पुरुषार्थ का साधन है, दूसरा कोई पुरुषार्थ का साधन नहीं है, ऐसा जिनका दुराग्रह है। ऐसे जो कर्म में जिनकी जड़ बुद्धि है वे लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, ईशावास्यम इत्यादयो मंत्राः कर्म शेषाः मंत्रत्वा विशेषात ईशित्वा इत्यादि मंत्रवत। ये देखिए अनुमान वाक्य, अनुमान के द्वारा वो लोग सिद्ध करते हैं। जैसे हम लोग सिद्ध करते हैं पर्वत में वहनी है, पर्वतो वहनी मान धूमवत्वात महानसवत, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वहनी, जहाँ जहाँ धूम होती है वहाँ वहाँ वहनी होती है। इसी प्रकार यह अनुमान ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रा, ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र है हो गया पक्ष। कर्म शेषा, वे कर्म के शेष अंग है, कर्म कर्म शेषत्व तो इसमें साध्य है। क्यों मंत्रत्वा विशेषा, क्योंकि ये भी मंत्र है, इसेत्वा इत्यादि मंत्रवत, इसेत्वा जैसे मंत्र कर्म का अंग बनता है। इसमें इसेत्वा मंत्र, देखिए जब कोई इष्टि करनी है, इष्टि करने के लिए पुरोडास बनाना पड़ता है, वैदिक इष्टिया करने के लिए जो दूध आदि से, दूध दही इत्यादि से जो याग होते हैं उसको कहते इष्टि। अब दूध से या पुरोडास बना करके इष्टि करना है तो दूध जो है कहाँ से लेंगे, कोई थैली का दूध नहीं लेके बना देना है, वहाँ तो गाय का दूध निकाल करके उससे उसमें बनाना है। अब गाय से दूध लेने के लिए भी बछड़े को पहले छोड़ा जाता है, बछड़ा थोड़ा सा दूध पिएगा फिर उसको हटाना पड़ता है। तो ऐसे हाथ से नहीं हटाना है बल्कि डंडे से, कौन से दंड से, पलाश के दंड से हटाना है, इसलिए पहले पलाश के दंड को काट के ला के रखना पड़ेगा। तो जब पलाश का दंड काटने जाएंगे इस मंत्र को बोल करके उस दंड को काटना रहा, इसे त्वा इति शाखाम छिनदमी, इसे त्वा इसके द्वारा मैं शाखा का छेदन करता हूँ। तो वह जो मंत्र है इसे त्वा, वो शाखा के छेदन का अंग है। फिर उसको शाखा को छाप साफ करने के लिए ऊर्जित्वा ऐसा बोल करके साफ, ऊर्जित्वा। तो जैसे इसे त्वा यह मंत्र कर्म का शेष है, दंड के माध्यम से इष्टि या उस याग का अंग बनता है, इसी प्रकार ईशावास्यम इत्यादि में भी मंत्रत्व रहता है। इसलिए यह भी जैसे वह मंत्र होने से कर्म का अंग है, यह भी मंत्र होने से कर्म का अंग है, इसे तो आदि मंत्रवत। अतः पृथक प्रयोजनाद्य भावात्, इसलिए कर्म कांड का जो प्रयोजन है वही इसे तो इत्यादि मंत्रों का भी वही प्रयोजन है, इसलिए अलग से इसका कोई प्रयोजन नहीं, कोई फल नहीं है। इसलिए अव्याख्या, इसे त्वा इत्यादि मंत्रों की जो व्याख्या करना चाहते हो इसकी व्याख्या करने कोई आवश्यकता ही नहीं, ये भी तो कर्म का ही अंग बन गया। इति, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, इति केचन मन्यन्ते स्म, ऐसा कुछ लोग मानते थे मीमांसक लोग। तान प्रत्याह, उनका निराकरण कर रहे भगवान भाष्यकार। भाष्य देखिए, भाष्य आरंभ हो रहा है ईशावास्यम, भाष्य देखिए, ईशावास्यम इत्यादयो मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः। ईशा, देखो मीमांसक क्या कह रहा था, इन मंत्रों का कर्म कांड में उपयोग है। यहाँ कह रहे नहीं, ये जो ईशावास्यम इत्यादि मंत्र है 18 मंत्र, इनका कर्म में विनियोग नहीं है। कर्मसु अविनियुक्ता, बोले क्यों ऐसा क्यों कह रहे कर्म में विनियोग नहीं है, बोले बता रहे तेषाम अकर्म शेषस्य आत्मनो याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। जो आत्मा है, आत्मा तो कर्म से रहित है, निर्गुण है, निष्क्रिय है, निराकार है, वह किसी कर्म का अंग बनता है क्या? आत्मा किसी कर्म का अंग नहीं बनता। तो
जो कर्म का शेष नहीं है, निर्गुण निर्विशेष आत्मा, उस आत्मा के याथात्म्य यानी यथार्थ स्वरूप का प्रकाशन कर रहे ईशावास्यम इत्यादि मंत्र। इसलिए ये कर्म में इनका विनियोग नहीं है, यही बात बता दी। तेषाम अकर्म शेष आत्मनो याथात्म्य प्रकाशकत्वाद, जो आत्मा कर्म का अंग नहीं है, निर्गुण निष्क्रिय है, जिसमें कर्म स्वप्न में भी संभव नहीं है, ऐसे आत्मा का प्रकाशन करने की वजह से ईशा वास्यम इत्यादि मंत्र उनका कर्म में कोई विनियोग नहीं है, अंगत्वेन संबंध नहीं है, अंग रूप से वहां संबंध नहीं। ठीक है, मैं देखिए कर्मस्व विनियोक्ता कर्मसु अविनियोक्ता इति ईशेत्वा इति शाखाम छिन्नति इत्यादिवत विनियोजक प्रमाणादर्शनात् प्रकरणांतरत्वाच्च इत्यर्थ। देखो ईशेत्वा इति शाखाम छिन्नति, ईशेत्वा ये मंत्र है, इति शाखाम छिन्नति ऐसा ब्राह्मण वाक्य है। तब यहाँ पे देखिए तो ये पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें दो मत है। कुछ लोग कहते हैं श्रुति प्रमाण से इसका कर्मों में विनियोग होता है, और कुछ लोग कहते नहीं वाक्य प्रमाण के द्वारा। मीमांसा में 6 प्रमाण आते हैं। अब मीमांसा की सब बातें प्राय करके आप लोगों को, कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगी, कुछ लोग तो पढ़े हुए हैं इसमें से, कुछ लोग हमारे मीमांसा के विद्यार्थी लोग भी हैं इसमें, वो लोग तो जान जाएंगे। 6 प्रमाण होते हैं श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या। इन 6 प्रमाणों के द्वारा अंगत्व का ज्ञान होता है, कौन किसका अंग बनेगा ये मालूम पड़ता है। त्यां एक मत है कि ईशेत्वा ये जो मंत्र है श्रुति प्रमाण से ही वह शाखा छेदन का अंग बनेगा, क्योंकि शाखाम यहां पद आया है, इसलिए साक्षात द्वितीय श्रुति है। दूसरा ये मत है कि कहीं कहीं शाखाम ऐसा पद नहीं आया है, ईशेत्वा इति छिनत्ति, तो वहां पे वाक्य प्रमाण के द्वारा, ब्राह्मण वाक्य वाक्य प्रमाण के द्वारा ये विनियोग होता है। इत्यादि वत, तो वहां विनियोजक, विनियोजक मतलब अंगत्व बोधक, अंगत्व का ज्ञान कराने वाला प्रमाण जैसे वहां पे देखा गया, किंतु यहाँ पे ऐसा नहीं देखा गया कि कोई ऐसा प्रमाण हो जिससे मालूम पड़े कि इससे ईशावास्यम इत्यादि 18 मंत्र इस उपनिषद के कर्म में इनका विनियोग है, अंगत्वेन संबंध है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, पहला कारण तय हो गया। दूसरी बात प्रकरणांतरत्वाच्च, भिन्न प्रकरण में आए हैं, ये कर्म के प्रकरण नहीं है बल्कि उपनिषद भाग में ये सब मंत्र आए हैं, इसलिए उपनिषद भाग में तो आत्मा के शुद्ध स्वरूप का निरूपण होता है, इसलिए भिन्न प्रकरण में स्थित होने की वजह से ये सब मंत्र हाँ कर्म के अंग नहीं बनेंगे। श्रौत विनियोगा भावेपि बर्हिर्देव सदनम दानी दामी इत्यस्य बर्हिर्लवन प्रकाशन सामर्थ्यात् बर्हिर्लवने यथा विनियोगस तथा कर्म शेषात्म प्रकाशन सामर्थ्येन कर्मसु येषां विनियोग इत्यपि न शंकनीयम्। देखो यह कह रहे हैं कि जो चलो ठीक है हम मानते हैं, मीमांसा में 6 प्रमाण अभी बता दिया, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, तो श्रौत विनियोग यानी श्रुति प्रमाण के द्वारा भले ये सब मंत्र कर्म के अंग नहीं बनेंगे तो भी लिंग प्रमाण, लिंग यानी अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य, जैसे देखिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, इस श्लोक को कोई सुनता है समझ जाता है भाई शिव जी की स्तुति की जा रही है। शांताकारं भुजैक शयनम, इस श्लोक को कोई सुनता है समझ जाता है कि विष्णु की स्तुति कर रहे हैं, विष्णु की स्तुति के लिए इस मंत्र का, इस श्लोक का उपयोग होता है, क्योंकि इस श्लोक में विष्णु भगवान का वर्णन हुआ है। तो जहां से जिस अर्थ का प्रकाशन, जिस मंत्र से जिस अर्थ का प्रकाशन होता है वह मंत्र उसी का अंग बनता है, इसको कहते हैं लिंग प्रमाण। तो यहां पर बता रहे हैं लिंग प्रमाण, तो भले चलो श्रुति प्रमाण से कर्म का अंग नहीं बन रहा है तो भी लिंग प्रमाण के द्वारा, लिंग यानी सामर्थ्यम सर्व शब्दानाम लिंगमित्य विधीयते,
शब्द के अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य को लिंग कहते हैं। कौन सा शब्द किस अर्थ का प्रकाशन कर रहा है, वह लिंग हो गया। तो मतलब जिस अर्थ का प्रकाशन कर रहा है उसी का वह अंग बने। जैसे अभी बता दिया कि शिव जी का मंत्र है, शिव जी का प्रकाशन कर रहा है, तो बताया जाएगा भाई शिव जी की स्तुति का अंग बनेगा। विष्णु का प्रकाशन कर रहा है तो विष्णु की स्तुति का अंग बनेगा। तो इसलिए बर्हिर्देव सदनम दामी इत्यस्य बर्हिर्लवन प्रकाशन सामर्थ्य। देखो यहाँ मंत्र है बर्हिर्देव सदनम दामी। बर्हि यानी कुशा, हे कुशा तुम देव सदन हो, देवताओं का निवास स्थान हो, तो देवताओं के निवास स्थान तुमको मैं काटता हूं। इस मंत्र में कुशा का कथन किया गया, कुशा रूपी अर्थ का, कुश जो कुश यज्ञ आदि में प्रयोग होता है उसका प्रकाशन हुआ, उसके काटने का प्रकाशन हुआ है। इसलिए उसे को काटते समय इस मंत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। तो लिंग प्रमाण से बर्हिर्लवण प्रकाशन सामर्थ्यात्, बर्हिर्लवणे यथा विनियोग, बर्हि के काटने में जैसा उस मंत्र का विनियोग हुआ, तथा कर्म शेष आत्म प्रकाशन सामर्थ्य न। इसी प्रकार कर्म का अंग है आत्मा, आत्मा का प्रकाशन करने से इसका कर्म भी विनियोग हो जाए। तो बोले इत्यपि नाशंकनीयम, ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा निष्क्रिय है, कर्म से रहित है। कर्म आत्मा में तीनों कालों में हो ही नहीं सकता, इसलिए आत्मा कर्म का शेष है, इसलिए मंत्र कर्म के अंग बनेंगे, ऐसा कथन नहीं किया जा सकता। आत्मा में कर्म तीनों कालों में संभव नहीं है। इसी बात को बता दिया भाष्य में कि तेषाम अकर्म शेष शेषस्य आत्मनो याथात्म्य प्रकाशकत्वात्। जो कर्म का अंग नहीं है शुद्ध आत्मा, जिस आत्मा में कर्म है ही नहीं, ऐसे आत्मा का प्रकाशन करने की वजह से ये मंत्र कर्म में विनियुक्त नहीं हो सकते, इसका कर्म में उपयोग नहीं है। देखो आगे टीका में, शुद्धत्वादि विशेषण से आत्मन कर्म शेषत्व प्रमाणाभाव। जो अत्यंत शुद्ध है, पाप से रहित है, नित्य है, शरीर भाव से रहित है, व्यापक है, ये जो शुद्धत्वादि विशेषण वाला आत्मा है, उस आत्मा के कर्म शेष होने में कोई प्रमाण नहीं, किसी भी प्रमाण से कर्म अंगत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तद याथात्म्यम च न केवलम कर्मानुपयोगी किंतु कर्मणा विरुद्धते च। इस आत्मा का यथार्थ स्वरूप केवल कर्म में अनुपयोगी ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसका यथार्थ स्वरूप तो कर्मों का विनाश करने वाला है, कर्म के अत्यंत विरुद्ध है ना। जो आत्मा कि आत्मा में कोई जो है भेद नहीं है, द्वैत नहीं है, ऐसा जानने वाला व्यक्ति ये कर्म करेगा क्या? जिज्ञासु ही कर्म छोड़ देता है तो जानने वाले की क्या बात। जिसको आत्म तीव्र आत्म जिज्ञासा है वह व्यक्ति ही कर्म नहीं करता, ज्ञान होने के बाद कहाँ से कर्म होगा। किंतु कर्मणा विरुद्धते च इत्या याथात्म्यम च, बोले आत्मा का यथार्थ स्वरूप क्या है इसको देखिए बता रहे। याथात्म्यम च आत्मनः शुद्धत्व पाप विद्धत्व एकत्व नित्यत्व शरीरत्व सर्वगतत्व आदि वक्षमाणम। वक्षमाण मतलब आगे कहे जाएंगे। आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप है वह शुद्ध है, उसमें शुद्धत्व है, आत्मा शुद्ध है। जैसे कोई मनुष्य है तो उसमें मनुष्यत्व है, आत्मा शुद्ध है तो उसमें शुद्धत्व है। अपाप विद्धत्व, पाप से विद्ध नहीं होता, लिप्त नहीं होता, पाप का उससे कोई संबंध नहीं है, आत्मा में अपाप विद्धत्व। आत्मा एक ही है, एक ही आत्मा व्यापक आत्मा है, सर्वत्र है, तो उसमें एकत्व है। जब एक ही तत्व है, सर्वत्र है, व्यापक है, उसमें कर्म कहाँ से संभव होगा। नित्यत्व नित्य है, अशरीरत्व शरीर भाव से रहित है, सर्वगतत्व आदि सर्वगत व्यापक है आदि से, और भी बहुत से जो धर्म बताए जाते हैं, ये सब आत्मा का यथार्थ स्वरूप है, आगे वक्षमाण है, आगे कहे जाएंगे। तच्च कर्मणा विरुद्धते इति विरुद्धत। ये जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है कर्मों के अत्यंत विरुद्ध है, इसलिए गीता में भी भगवान ने कह दिए सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। संपूर्ण कर्मों की परिसमाप्ति हो जाती है ज्ञान में। ये जो
यथार्थ स्वरूप है आत्मा का, कर्मों से अत्यंत विरुद्ध है। आत्मा व्यापक है, कर्म से रहित है, ऐसा जानने वाला व्यक्ति कर्म कर ही नहीं सकता। इति युक्ता एव येषां कर्मस्व विनियोग, इसलिए इनका कर्म में विनियोग नहीं है यह कहना युक्त ही है, क्योंकि इस आत्मा का यथार्थ स्वरूप कर्मों के अत्यंत विरोधी है। टीका में देखिए, शुद्धोहम स्वभावतो नागंतुके नापि पापमना विद्ध, मैं स्वाभाविक रूप से शुद्ध हूँ, व्यापक हूँ, मुझ में कोई दोष नहीं है। नागंतुके नापि पापमना विद्ध, आगंतुक पाप से भी मैं विद्ध नहीं होता। आगंतुक जो जन्य पाप है, कोई जैसे ब्राह्मण हरण कर दिया, कोई अन्य पाप कर दिया, अज्ञानी व्यक्ति तो क्या मानता है कि मैं पापी हूं, लेकिन ज्ञानी आत्मा में कोई कर्म देखता ही नहीं, इसलिए आत्मा में कोई जो है पुण्य का भी संबंध नहीं, पाप का भी संबंध नहीं। इसलिए ना आगंतुके नापि पापमना विद्ध, आगंतुक जो जन्य पाप है उनसे भी मैं विद्ध नहीं होने वाला नहीं। सर्वत्र एको, सर्वत्र मैं एक ही हूँ, अशरीर शरीर भाव से रहित हूँ। आकाशोपमम, आकाशोपम आकाश के समान व्यापक हूँ। इति जानन, ऐसा जानने वाला जो पुरुष है, ना कटाक्षेण आपी कर्म वीक्षते, कटाक्ष से नेत्र के कोने से देखते हैं ना, कटाक्ष, कटाक्ष से भी वह कर्म नहीं देखता आत्मा में, यानी बिल्कुल भी कर्म आत्मा में नहीं देखता। किंतु आपात प्रतिपत्तिरपि एतादृशी निरुणद्धि एव कर्म प्रवृत्ति इत्यर्थ, जिस व्यक्ति ने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जान लिया वह तो बिल्कुल कर्म देखता नहीं। केवल इतनी बात नहीं, किंतु जो आपात प्रतिपत्ति, आपात मतलब सामान्य रूप से जो जाना, तो भी वो उस व्यक्ति से उसकी कर्म प्रवृत्ति संभव नहीं है, क्योंकि संशय हो गया ना उसको, मालूम पड़ गया आत्मा में कोई कर्म नहीं, कोई कर्म का फल नहीं है, आपात रूप से जाना उसको अनुभव नहीं हुआ है, तो भी उसे संदेह हो जाएगा भाई मैं कर्म करूंगा तो पता नहीं फल होगा कि नहीं होगा। इधर तो ये कह रहे हैं कि आत्मा में कोई फल नहीं, कोई कर्म नहीं, तो आपात रूप से ज्ञान होने पर भी संशय हो जाने की वजह से कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। तो जिसने यथार्थ स्वरूप को जान लिया वहां पे, उसको कैसे कर्म हो सकता है, उसको तो कर्म बिल्कुल तीनों कालों में हो ही नहीं सकता। इसलिए कह रहे किंतु आपात प्रतिपत्ति रपि एतादृशी निरुणद्धे व कर्म प्रवृत्ति इत्यर्थ, कर्म प्रवृत्ति का निरोध कर देती, उसको बाधित कर देती है। तो बताए, और थोड़ा सा कुछ दिखाएंगे, आज यहाँ तक ही रखते हैं, आगे हम लोग कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।